गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा आपका चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि पीसीएस लोअर की वैकेंसीज आ गई हैं और आने वाले समय में मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है अर्थशास्त्र के बारे में, जिसमें से आपको मैं इतना श्योर गारंटी दे रहा हूं कि इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन श्योर आपके पीसीएस लोअर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें मैं किन किन चीज़ों पे प्रकाशित करते हुए या लेते हुए चलूंगा। सबसे पहले मैं एक तरीके से अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, सारी चीज़ों को लेते हुए आपके साथ सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। लेकिन उससे पहले आज का जो स्पेशल एक तरीके से डेमो टारगेट बनाया गया है वो बनाया गया है बजट, क्योंकि काफ़ी एक तरीके से देखा जाए आज एक फरवरी को बजट का प्रस्तुतीकरण किया गया है और ये भी बताया गया है कि ये अंतरिम बजट है। अब अंतरिम बजट क्या होता है, बजट की टर्मोलॉजीज क्या होती है, बजट कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में मैं संदीप शर्मा आपसे रूबरू होऊंगा और आपके क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल आना तय है उनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बजट के बारे में समझते हैं, बजट होता क्या है। बजट की बात करें तो बजट आय और व्यय का एक ब्यौरा होता है, अगर बजट को हम देखें तो। अब अगर लिटरली सेंस में कहा जाए आय और व्यय, अगर हम घर से देखें तो सबसे पहले अगर बजट का बात करें तो घर से माइक्रो बजट बनता है। माइक्रो बजट का क्या मतलब होता है, माइक्रो बजट का सीधा मतलब होता है कि जो बजट घरों में बनता है वो माइक्रो MICRO माइक्रो बजट कहलाता है। माइक्रो बजट के अंदर क्या आता है, माइक्रो बजट के अंदर आता है कि वो रूपरेखा जिसके अंदर किसी एक व्यक्ति अपना बजट आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। जैसे अगर हम बात करें घरों में, आपने देखा होगा माता पिता की आय होती है, वो आय लेके आते हैं और व्यय कहाँ कहाँ होते हैं। अगर हम व्यय की बात करें तो व्यय हमारे जैसे मकान का किराया हो गया, दूध का बिल हो गया, गैस सिलेंडर का बिल हो गया, और अगर कुछ भी नहीं है तो मोबाइल का एक तरीके से महीने का चार्जिंग का बिल, ये सारे बिल्स माइक्रो बजट या हम कहते हैं माइक्रो बजट या इसको हिंदी में सूक्ष्म बजट कहा जाता है। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं आपसे वो माइक्रो बजट से नहीं आएंगे, वो आएंगे मैक्रो बजट से, MACRO। अब ये मैक्रो बजट क्या होता है, मैक्रो बजट किसी समूह को लेके बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम भारत देश की बात करें तो ये लगभग, अगर हम जनसंख्या लेते हैं 2011 जनगणना में, तो लगभग 121 करोड़ लोगों को हम ये मान के चल रहे हैं, तो उनके आय और व्यय का जो ब्यौरा है वो बजट कहलाता है। चलिए, और इस बजट को बनाने वाले व्यक्ति का नाम या तो भारत देश का प्रधानमंत्री या अपने लिए एक सहायक नियुक्त करता है, उसको वित्त मंत्री कहा जाता है, वो बजट का प्रस्तुतीकरण करता है। चलिए इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि बजट शब्द की उत्पत्ति, बजट 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 बार बार बोला जा रहा है बजट, बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे हुई। सबसे पहले हम देखते हैं बजट शब्द फ्रेंच भाषा बुगट से, बगट यानी चमड़े के थैले से आया है, जिसे चमड़े का थैला कहा जाता है। फ्रेंच भाषा, फ्रेंच में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था। अगर हम बात करें कि चमड़े का थैला है क्यों, क्योंकि उस समय ये मानकता मानी जाती थी फ्रेंच समय में कि जो भी वित्त मंत्री है, जो भी सरकार का एक सहायक है वित्त मंत्री, जो भी चीज़ें या बजट का प्रस्तुतिकरण कर रहा है तो वो एक चमड़े का थैले का यूज़ किया जाता था। और अगर उसी वहाँ का वित्त मंत्री चमड़े के थैले को शो ऑफ करता हुआ जाता था कि देखिए आपका पूरा का पूरा बजट, पूरे देश का बजट हम बना रहे हैं। और अगर हम बात करें रजिस्टर्ड बजट, जो सबसे पहला बजट अगर हम देखा जाए, दुनिया में सबसे पहला बजट अगर देखा जाए तो कहाँ प्रस्तुत किया गया था, वो प्रस्तुत किया था आपके रॉबर्ट वॉल पॉल साहब ने। रॉबर्ट वॉल पॉल, कैमरा सर से कहूँगा कि थोड़ा दिखाइए बच्चों को, रॉबर्ट वॉल पॉल 1733 में कहाँ पे इंग्लैंड में सबसे पहले रजिस्टर्ड बजट का प्रस्तुतीकरण किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है मित्रों, क्योंकि स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि दुनिया में सबसे पहली बार बजट का प्रस्तुतीकरण कहाँ किया गया था, तो दुनिया में सबसे पहली बार बजट का प्रस्तुतीकरण इंग्लैंड में किया, रजिस्टर्ड, जो कई बार क्वेश्चन में आया है, रॉबर्ट वॉल पॉल ने किया था 1733 में। अगर हम बात करें जो क्वेश्चंस आते हैं लोअर पीसीएस में, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि
भारत में सबसे पहली बार बजट का प्रस्तुतिकरण किस व्यक्ति ने किया था, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि बजट का प्रस्तुतिकरण सबसे पहली बार भारत में सर जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को किया था। सर जेम्स विल्सन उस समय के एक तरीके से वित्त मंत्री थे, किस सरकार के, ब्रिटिशर्स, बर्तानिया सरकार के वित्त मंत्री थे, जिन्होंने सबसे पहली बार बजट का प्रस्तुतिकरण किया। कब किया? 7 अप्रैल 1860। एक चीज मैं इसी परिपेक्ष में बताना चाहूंगा बजट के संबंध में ही कि जो आय और व्यय का ब्यौरा जो सरकार प्रस्तुत कर रही है उसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो चलिए उस परिपेक्ष में मित्रों देखते हैं। सबसे पहले जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, जैसे कि अभी अभी का जो बजट वीडियो शूट आउट हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बजट प्रस्तुतिकरण हुआ है वो 1 फरवरी को हुआ है, वो अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट का सीधा मतलब तात्पर्य होता है कि जब जिस समय इलेक्शंस आने वाले होते हैं, तो जब तक इलेक्शंस का टाइम ड्यूरेशन होता है उसके बीच में केंद्र सरकार को कार्य प्रणाली चलाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है उसे हम अंतरिम बजट का रूप देते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि अंतरिम बजट क्या है, जैसे इस बार का जो बजट है वो अंतरिम बजट है। चलिए उससे पहले हम आपको जो वित्तीय वर्ष है या फाइनेंशियल ईयर है उसके बारे में बताते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। अब विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये सिस्टम कब से आरंभ किया गया है, तो हम आपको बता दें 1867 1867 से उससे पहले 1 मई से 30 अप्रैल हमारा वित्तीय वर्ष होता था। उस समय बर्तानिया सरकार ने कब से 1867 से 1 अप्रैल से 31 मार्च किया, जो आज भी वित्तीय वर्ष के रूप में अपनाया जा रहा है, लेकिन सरकार बातें कर रही है कि इस वित्तीय वर्ष को चेंज करके हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कर दें। और आपको एक चीज और बता दूं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि 2016 में मध्य प्रदेश सरकार ने इस क्या कहते हैं रूपरेखा को अपना लिया है, जो कब से है, जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे कोई राज्य सरकार ने सबसे पहला एक तरीके से जो वित्तीय वर्ष है 1 जनवरी से 31 दिसंबर अपनाया है, तो आप किस पे किस ऑब्जेक्टिव पे मारेंगे, साइन करेंगे अपना, वो नाम है मध्य प्रदेश। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब बजट, बजट शब्द है, भारतीय संविधान की अगर रूपरेखा के बारे में कहा जाए तो बजट अगर जो शब्द है, बजट जो शब्द दिया गया है वो बजट, बजट हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को कॉपी नहीं किया है, भारत के संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन अनुच्छेद 112, ये कई बार पूछा गया है, संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द को किस रूप से, वार्षिक वित्तीय विवरण हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको बजट शब्द का कोई रूपरेखा नहीं दी गई है, हाँ उसको वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। फिर एक बार और भी क्वेश्चन आता है कि जानने के लिए कि भाई बजट, सबसे पहला बजट वो भी स्वतंत्र भारत का, जब हम भारत की स्वतंत्रता की बात करें तो सीधे हमारे दिमाग में आता है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजाद भारत के समय जो सबसे पहला बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम है, उनका नाम, विद्यार्थी थोड़ा ध्यान से देखें, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वो है स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को श्री शंखमुखम चेट्टी जी ने प्रस्तुत किया था। शंखमुखम चेट्टी जी ने प्रस्तुत किया था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला बजट था ये एक तरीके से इंटरिम बजट था, इसमें क्योंकि ये कितने दिन तक चला है, आप देखिए जो बजट प्रस्तुतिकरण का समय है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है, तो बजट प्रस्तुतिकरण ये मात्र 3 महीने का था, ये इंटरिम बजट ही था, इंटरिम बजट की तरह ही प्रस्तुत किया गया था। अब एक क्वेश्चन और भी कई बार पूछा जाता है कि गणतंत्र भारत, अब विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दें, स्वतंत्र भारत और फिर उसके बाद गणतंत्र भारत, गणतंत्र भारत का अगर हम रूपरेखा प्रस्तुत करें तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए भारत गणतंत्र कब हुआ था, संविधान कब लागू हुआ था, संविधान हमारे भारत देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो आपको विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई सर ने प्रस्तुत किया था।
एक और क्वेश्चन उठता है कि जॉन मथाई अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री भी थे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लें, यहां पे मैंने नहीं बनाया हुआ है कि सर जॉन मथाई भारत के पहले रेल मिनिस्टर थे। ये क्वेश्चन कई बार आता है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो प्रथम रेल मिनिस्टर कौन थे? प्रथम रेल मिनिस्टर आपके जॉन मथाई थे, जो आगे चल के जिन्होंने गणतंत्र भारत, गणतंत्र यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जो पहला बजट प्रस्तुत किया था वो थे जॉन मथाई। अब जैसे हम बात करें बजट की प्रस्तुतिकरण की बात की जा रही है, तो विद्यार्थीगण मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन कई बार लाजवाब क्वेश्चन है जो कई बार आ रहा है, वो आता है कि सबसे अधिक बार बजट किस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया है। मैं सर से कहूंगा थोड़ा सा दिखाइए सर, सबसे पहली बार बजट प्रस्तुत, सबसे अधिक बार जो बजट प्रस्तुतिकरण का रिकॉर्ड टाइम बजट प्रस्तुत किया है वो श्री मोरारजी देसाई ने किया है। वो कितनी बार किया है? 10 बार किया है। और आप पे सोने पे सुहागा एक चीज और मैं बता दूं विद्यार्थीगण, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो ऐसा कौन सा वित्त मंत्री है जिसने बजट अगर देखा जाए अपने जन्म दिवस पे प्रस्तुत किया। तो ये एक तरह से सौभाग्य ही है मोरारजी देसाई सर का कि इन्होंने दो बार 1964 और 1968 में बजट का प्रस्तुतिकरण अपने जन्मदिन पे किया था। और बट ऑब्वियस है उनका जन्म दिवस कब पड़ रहा है विद्यार्थीगण? उनका जन्म दिवस पड़ता है 29 फरवरी को। तो आपको ये बता दें कि बजट क्या, अगर हम प्रस्तुतिकरण की बात करें तो बजट प्रस्तुतिकरण अगर अभी देखा जाए 2017 से पहले बजट का प्रस्तुतिकरण, यानी 2016 एक ऐसा टाइम था जिसमें बजट का प्रस्तुतिकरण कब किया गया है, वो किया गया है फरवरी मास की अंतिम कार्य दिवस पर किया जाता था। विद्यार्थीगण फिर ध्यान दें, ये चेंज कब से हुआ है, ये कार्यप्रणाली 1 अप्रैल 2017 से इसको चेंज कर दिया गया है, या हम कहें अप्रैल से चेंज करके इसको 1 फरवरी कर दिया गया है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि बजट बनाने के लिए हमें सरकार को अधिक समय मिल जाएगा। कैसे? हम 2016 से पहले की बात करते हैं, 2016 से पहले जो बजट प्रस्तुतिकरण होता है वो होता था फरवरी मास की अंतिम तारीख को, यानी आप मान लीजिए फरवरी अधिकतर कितने समय का होता है, 28 फरवरी तक का होता है, 28 दिन का होता है। तो वर्किंग डे पे बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और उससे एक दिन पहले, हम 2016 से पहले की बात बता रहे हैं, 2016 से एक दिन पहले आपका क्या आता था, 2016 से एक दिन पहले आपका सरकार की आर्थिक समीक्षा आती है। अब अगर हम बात करें आर्थिक समीक्षा क्या होती है, आर्थिक समीक्षा का सीधा मतलब होता है कि सरकार ने जो भी बजट प्रस्तुतिकरण किया है, जो भी बजट प्रस्तुत किया है पिछले वर्ष का, उसका रिकॉर्ड सरकार आर्थिक समीक्षा के रूप में प्रस्तुत करती है। आर्थिक समीक्षा में होता क्या है, आर्थिक समीक्षा की अगर बात की जाए तो इसको प्रस्तुत भी भारत का वित्त मंत्री करता है, या अगर भारत का वित्त मंत्री नहीं कर पाता है, जैसे इस समय का 2019 की जो आर्थिक समीक्षा है वो प्रस्तुत ना करके भारत के राष्ट्रपति ने की थी, तो ये कदापि नहीं मानना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसी पार्टी विशेष से प्रस्तुत कर रहा है, वो अपनी सरकार का बजट बता रहा है, अपनी सरकार के बजट के आउटकम को बता रहा है कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया। वो आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक सर्वे में सरकार बताती है जो पिछले वर्ष का बजट का रिपोर्ट कार्ड होता है। और 2016 में सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले रेल बजट आता था, रेल बजट के बाद आपका आता है आर्थिक समीक्षा, और आर्थिक समीक्षा के बाद अगर देखा जाए तो केंद्रीय बजट आता है। ये प्रणाली मैं 2017 से आपको 2016 की बता रहा हूँ। 2017 में ऑनरेबल उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने इस परिपाटी को चेंज करते हुए 2017 से 1 फरवरी को बजट का प्रस्तुतिकरण आरंभ किया। उनका तर्क ये था कि अगर 1 फरवरी से करेंगे बजट प्रस्तुतिकरण तो हम सरकार को 28 दिन और मिल जाएंगे बजट को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। अगर हम बता दें, एक चीज और बता दें विद्यार्थीगण आपको, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि रेल बजट को 2017 की बात कर रहे हैं, 2017 से एक नया सिस्टम भी लागू किया गया कि रेल बजट को केंद्रीय बजट के साथ मिला दिया गया। किस कमेटी के तहत मिलाया गया, ये क्वेश्चन कई बार एक तरीके से पूछा जाता है। वो थे नीति आयोग के मेंबर विवेक डिबोरॉय कमेटी के निर्देश के अनुसार रेल बजट को
यूनियन बजट के अंदर मिला दिया गया। यानी अगर हम सिस्टम वाइज चलते हैं, एक सामान्य सिस्टम के तहत चलते हैं, तो आप देखेंगे कि इस बार से 2017 के बाद से हमारी सरकार ने एक तरीके से सबसे पहला कौन सा बजट, सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक समीक्षा आया है और उसके बाद केंद्रीय बजट आ गया है। किसी भी तरह का रेल बजट नहीं आया है। रेल बजट किसके आया है ये मत समझिएगा, लेकिन रेल बजट किसके साथ मर्ज कर दिया गया है, रेल बजट केंद्रीय बजट के साथ मर्ज कर दिया गया है या मिला दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो भी क्वेश्चंस, देखिए ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, लाजवाब क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि बजट का प्रस्तुतीकरण शाम के 1924 से अगर देखा जाए तो जो बजट का प्रस्तुतीकरण है वो शाम के 5 बजे किया जाता था। ये सिस्टम कराने वाले व्यक्ति थे बेसिल ब्लैकेट। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इवन IAS तक में आया है। सर बेसिल ब्लैकेट ने एक सिस्टम निकाला था 1924 से। उन्होंने ब्रिटेन की महारानी को ये तर्क दिया, इसके पीछे तर्क क्या रहता है आपको बता दें, उनका तर्क ये था कि भारत हमारा गुलाम है, ब्रिटिश का गुलाम है, तो उस समय जब हमारे यहाँ बजट प्रस्तुतिकरण होता, हम कब की काल की बात कर रहे हैं, 1924 काल की बात कर रहे हैं, उस समय जब ब्रिटेन के एक तरीके से देखा जाए सुबह बजट प्रस्तुत होता था, तो हमारे यहाँ पे 5.5 घंटे का अंतर है, तो बजट कितने बजे पेश होता था, शाम के 5 बजते थे यहाँ पे। तब से ये सिस्टम 1924 से ये सिस्टम लगा दिया गया कि बजट जो प्रस्तुतिकरण है वो शाम के 5 बजे होगा। लेकिन फिर 1999 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई और उसमें जो वित्त मंत्री थे वो थे यशवंत सिन्हा। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश पर पार्टी या ब्रिटिश सिस्टम का तर्क को नहीं मानते हुए हम बजट का प्रस्तुतिकरण सुबह के 11 बजे करेंगे। और सबसे पहली बार बजट का प्रस्तुतिकरण सन 2000 से सुबह के 11 बजे से आरंभ हुआ, जिसका श्रेय उस समय के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी को और उस समय के प्रधानमंत्री आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। अगर हम बजट की बात करें, जैसे और भी लाजवाब क्वेश्चन आते हैं, बजट की बात करें तो क्या कोई अभी तक कोई महिला वित्त मंत्री हुई है, तो मैं आपको बता दूं श्रीमती इंदिरा गांधी एकमात्र महिला वित्त मंत्री जिन्होंने 1970 का जो बजट था प्रधानमंत्री रहते हुए, साथ में उन्होंने वित्त मंत्रालय भी अपने पास रखा था, उसको प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको विद्यार्थी की एक चीज़ और लाजवाब चीज़ें बता दूं मैं आपको, कि अगर हम बात करें बजट की बात करें तो भारत में अगर हम बजट जो सिस्टम है वो एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन है जो कई बार आया हुआ है, PCS और इवन IAS में भी आया हुआ है कि ब्लैक बजट क्या है। ये विद्यार्थीगण ध्यान दें, ब्लैक बजट क्या होता है। ब्लैक बजट 1973 के बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। ब्लैक बजट का सीधा मतलब होता है उस समय 1973 में 550 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा हुआ था सरकार को, जिसको देखते हुए इस बजट का नाम हमने कौन सा बजट रखा था, ब्लैक बजट रख दिया था। ये क्वेश्चन का सन आप याद कर लीजिए, 1973 का जो बजट था वो ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है, जिसमें सरकार को 550 करोड़ का घाटा हुआ था। मैं आपसे फिर विद्यार्थीगण कहूंगा, ऐसे बहुत से लाजवाब क्वेश्चन लेके मैं संदीप शर्मा चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज के माध्यम से आपके समय आता रहूंगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।